खबरों की शुरुआत इसराइल हमास संघर्ष के बीच आई राहत वाली खबर से करते हैं। इसराइल और हमास के बीच सीज फायर को अगले बुधवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। दोनों दिन हमास 10-10 बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 7 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले दिन 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे, दूसरे दिन बाकी 30 कैदियों को छोड़ा जाएगा। 3 दशक से अधिक का समय के बाद जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में लेजेंड्स क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसमें 4 मैचों को खेला गया। इसमें हरभजन सिंह की अगुवाई वाली मणिपाल टाइगर्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरन फिंच की कप्तानी वाले सुपरस्टार से होगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में स्वच्छता को लेकर युवाओं ने शानदार पहल की है। घाटी में स्वस्थ पर्यटन के लिए सोनमर्ग को पॉलिथिन मुक्त बनाने के लिए युवाओं ने सफाई अभियान शुरू किया है। युवाओं ने पूरे इलाके में सफाई अभियान चलाकर पॉलिथिन स्वच्छता का संदेश दिया। श्रीनगर में सेना युवाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल की गई है। सेना की ओर से सेना ने युवाओं के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें घाटी के कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिमला के रिज मैदान में कला और हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। क्राफ्ट मेले में प्राचीन मंदिरों के प्रतिरूप लोगों को खूब पसंद आ रही है। कारीगरी, शानदार मूर्तियां, हाथ से बने कपड़े, शॉल, कढ़ाई और चित्रकारी की भव्य प्रदर्शनी लगी है। वोकल फॉर लोकल को मिल रहा है काफी बढ़ावा। स्थानीय लोगों को हो रही है अच्छी आमदनी। पुणे में एक किसान बांटुरंग बरल ने विदेशी पैशन फ्रूट की खेत से बंपर कमाई की है और किसान पारंपरिक खेती छोड़कर नई तकनीक का इस्तेमाल कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसानों ने 3.5 बीघा जमीन में पैशन फ्रूट के 100 पौधे लगाए और जिसकी बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी खासी कीमत है। दिल्ली विश्वविद्यालयों की सड़कों पर अब शानदार नजारा दिखेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 107 स्टूडेंट्स ने मेरी दिल्ली थीम पर 50 से ज्यादा जगहों पर भव्य वॉल पेंटिंग बनाई है। स्टूडेंट्स ने वॉल पेंटिंग के जरिए दिल्ली के इतिहास, मॉडर्न दिल्ली की झलक दिखाई गई है जिसमें दिल्ली मेट्रो, DTC, ई-रिक्शा को दिखाया गया है। वडोदरा में हेरिटेज वीक का सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया जिसमें कई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में बच्चों के साथ साथ बड़े भी देखने के लिए पहुंचे और प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। थाईलैंड, श्रीलंका के बाद अब मलेशिया ने भारत को शानदार सौगात दी है। अब मलेशिया घूमने के लिए भारतीयों को वीजा नहीं देना होगा। मलेशिया ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी है। मलेशिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यह फैसला लिया है।